दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कैरियर एकेडमी में। और दोस्तों आज हम इस वैकेंसीज में बात करेंगे पैरामेडिकल वैकेंसीज के बारे में, जिसमें आपके काफ़ी पोस्टें आई हुई है पैरामेडिकल की, जिसमें आपके स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, हेल्थ वर्कर एंड टीबी हेल्थ विजिटर, ANM, JNM, बहुत सारी वैकेंसी है। तो सभी के बारे में अपन यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट है, पहले तो वो मैं आपको बता देता हूँ। और ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपको मैं बता देता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट ये है। अगर अद्धा जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। प्रेस विज्ञप्ति जो है आपके यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी लास्ट डेट दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें पहले तो पोस्ट देख लीजिए कौन कौन सी है। स्टाफ नर्स का है, मेडिकल ऑफिसर आयुष का है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का है, और सुपरवाइज़र का है, टीबी हेल्थ विजिटर का है, और फार्मासिस्ट का है। यहाँ स्टाफ नर्स का काफ़ी वैकेंसीज है अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है। और OT असिस्टेंट का है, लैब टेक्नीशियन का है, LT लैब टेक्नीशियन, बहुत सारा है लैब टेक्नीशियन का भी। तो इनकी डिटेल में दिखा देता हूँ मैं, कितनी क्या पोस्टें हैं, कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर है। तो ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट से देख सकते हैं, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट डेट जो है 15 मार्च दे रखी है लास्ट डेट, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ को पढ़ने को मिल रहा होगा इस कॉलम में, ठीक है। तो आवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर के पते पर स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से 15 मार्च 2021 साढ़े 5 बजे तक निर्धारित शुल्क एवं दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट जो है इसके लास्ट डेट 15 मार्च 2021 है। अब इसमें वैकेंसी जो है देख लीजिएगा आप, जिनके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स है वो भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। लेकिन पहले जो है आप यहाँ पर सीटें देख सकते हो, स्टाफ नर्स का देख लीजिए एक एक सीट दे रखा है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर इस कॉलम में जो है इन सभी की क्वालिफिकेशन दिखा रखी है, शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो पोस्टें हैं उनकी मैं जो है क्वालिफिकेशन बता दूंगा। जैसे कि सीरियल नंबर 2 पे जो है स्टाफ नर्स का, इसमें आपके MSc नर्सिंग रेगुलर 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। BSc नर्सिंग या 3 ईयर एक्सपीरियंस। उसके बाद में अपन आ जाते हैं यहाँ पर सुपरवाइज़र TB हेल्थ विजिटर की में एक सीट है। और यहाँ पर देख लीजिए ग्रेजुएशन दे रखा है, ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट 10+2, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑफ मल्टीपर्पज़ वर्कर, लेडी हेल्थ विजिटर, हेल्थ वर्कर, सर्टिफिकेट ऑफ हायर कोर्स इन हेल्थ एजुकेशन। तो दोस्तों अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। जैसे कि हेल्थ वर्कर का आपके पास कोर्स है और एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर प्लस पॉइंट रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आपके पास हेल्थ वर्कर, हेल्थ इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स है तो उनको भी पहले प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी है, आप यहाँ पर देख सकते हो फार्मासिस्ट का है, फार्मासिस्ट का भी एक सीट है और यहाँ 16,500 रुपये सैलरी है, जिसमें आपको डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी 50% और रजिस्ट्रेशन इन फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल से होना चाहिए। यहाँ पर कम्युनिटी नर्स का सीट है 8 नंबर पर, जिसमें आपको BSc नर्सिंग के साथ में काउंसिल से रजिस्टर्ड एवं मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर स्टाफ नर्स का कितना सारा वैकेंसी है, 27 सीट दे रखा है एक साथ, लेकिन सैलरी न के बराबर है यार, ये कॉन्ट्रैक्ट का यही रोना है, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, जो लोकल वहाँ के हैं वो तो भर ही सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए BSc नर्सिंग और JNM कोर्स पास डे और लीव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से होना चाहिए। 10 नंबर पे भी वही स्टाफ नर्स का है, 4 सीट है, और इसमें भी BSc नर्सिंग और JNM कोर्स मांगा है। 11 नंबर पे भी स्टाफ नर्स का है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं OT टेक्नीशियन का एक सीट है, जिसमें आपके बारे पास विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बॉटनी सॉरी बायोलॉजी फॉर्मेट रेगुलाइज बोर्ड से यूनिवर्सिटी OTT टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स विद लीव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से होना चाहिए। OTT टेक्नीशियन का भी दोस्तों कोर्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, इन्होंने इसमें मांगा है OTT टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स विद लीव रजिस्ट्रेशन, मतलब आपका जो है छत्तीसगढ़ से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 16 नंबर पर भी जो है LT का है, लैब टेक्नीशियन का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 सीटें, एक महिला का, 3 पुरुष का है, जिसमें DMLT या BMLT पैरामेडिकल कोर्स इन पैथोलॉजी रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से होना चाहिए। 17 नंबर पर जो है आपका लैब टेक्नीशियन का है, 6 सीटें, तो लैब टेक्नीशियन का भी ऐसे बहुत सारा सीटें। और यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सन का है, कुक का है, क्लीनर का है, तो ये तो इतने कोई खास इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं है।
तो सारी जानकारी वैसे मैंने कवर कर दी, फिर भी अगर कोई जानकारी छूट गई तो आप इस वेबसाइट पे जाकर के विजिट कर सकते हैं। और आपको जो है हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम जो है इनकी PDF सेंड करते रहते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।